लाहौर से खबर शामिल करते हैं। अरशद नदीम के एक गोल्ड मेडल ने जावेद मियादार के छक्के की याद को ताज़ा कर दिया। दूसरी जानब पाकिस्तान के लिए पावर लिफ्टिंग में 15 गोल्ड मेडल जीतने वाली मसीही तीन बहनों के साथ गैर इम्तियाजी सलूक। अकलियती सेनेटर एमएनएस और एमपीएस भी मसीही बहनों को इंसाफ दिलाने में नाकाम। तफसीलात के मुताबिक फ्रांस में होने वाले ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम ने जियोलिन लकड़ी को अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा करते हुए दूर फेंक कर गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तान भर में नेशनल और सोशल मीडिया पर हर तरफ अरशद नदीम के चर्चे हैं। सरकारी गैर सरकारी सतह पर लाखों रुपए के इनामात की बारिश के साथ एक निजी टीवी चैनल ने अरशद नदीम को घर भी बतौरे तोहफा दे दिया और कौमी असेंबली में सिविल अवार्ड देने के लिए करारदार भी मंजूर की गई। जबकि दूसरी जानब हवा की बेटियां मसीही कौम की तीन बहनें ट्विंकल सीबल और वेरोनिका ने साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए पावर लिफ्टिंग की गेम में 15 गोल्ड मेडल जीतकर मसीही कौम का और पाकिस्तान का सर फकर से बुलंद कर दिया। लेकिन सियासत के मैदान में अपना सिक्का मनवाने वाले तमाम अकलियती सियासतदान मसीही कौम की बेटियों को ना एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए गए और ना ही कौमी असम्बली सूबाई असम्बली में इनके कोई करारदार मंजूर करवा सके। मसीह में आप सबको मेरा सलाम। आज हम लोगों का आपसे बात करने का मकसद ये है, हम अरशद नदीम भाई को पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का झंडा जो है वो पूरी दुनिया में बुलंद किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमें खुशी है कि पाकिस्तान के लिए हम बारिश का पहला कतरा बने और हम पाकिस्तान के लिए पहले 15 गोल्ड मेडल लेकर आए। उसके बाद अरशद नदीम भाई ने गोल्ड मेडल लिया। मई में एशियन यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में मैंने हाल ही में 5 मेडल्स लेके आई थी, जिसमें से मैंने एक मेडल सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा के नाम किया था तब भी, और अभी रिसेंटली हम लोग एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइन चैंपियनशिप में जो कि एक मिनी वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसमें हम तीनों बहनों ने एक यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि 5-5 गोल्ड मेडल लेके आए, और उसमें से भी मैंने अपने 5 गोल्ड मेडल्स में से एक मेडल सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा के नाम किया, लेकिन मुझे अभी तक उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं हुआ। और मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और 15 मेडल विन किए, बट हम लोग बहुत ज़्यादा अफसोस से ये बात कर रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी ऐलानात को सुनने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे, पर अभी तक 25 दिन हो चुके हैं हमारे इस इवेंट को, पर अभी तक हम लोगों के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया। और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए कि हम लोग एक मेडल जीतने वाले को करोड़ों इनाम दिए जा रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतनी दफ़ा गोल्ड मेडल विन किया और अभी हाल ही में 15 गोल्ड मेडल विन किया, बट हम लोगों को अभी तक कोई इनाम और कोई किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया गया। क्या इसीलिए कि हम अक्लियत हैं?